हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली के लजीज खाने। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक यूनिक चिकन रिंग पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आए हैं, जो हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ी, डिलीशियस और टेस्टी बनाएंगे। तो ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का डो बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये 2 कप मैदा लिया है और इसे हमने अच्छे से छान लिया है, और हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून ईस्ट डालेंगे, इंस्टेंट ईस्ट जो होती है, और ये हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर शुगर डालेंगे और 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। तो ये भी इसके अंदर जाएगा ऑयल, और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो ये हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ी रिंग चिकन पिज़्ज़ा बनाएंगे, जो आपने कभी नहीं बनाया होगा और ना ही देखा होगा। और इसके अंदर हम हल्का गरम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। तो एक साथ हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे इसका, और इसका हम सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो इसे हाथों से हम अच्छे से मल लेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे इसको। तो ये देखें, ये आप इसे अच्छे से गूंद लें, अच्छे से मल लें आटे को, और इसका हम बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनाएंगे, वरना उसकी ब्रेड जो होती है वो टाइट बनेगी। हमें सॉफ्ट ब्रेड बनानी है, तो डो भी हम सॉफ्ट ही बनाएंगे। तो इस तरह आप आटे को मल लें और इसे रख दें। पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे हम कवर कर रखेंगे 1/2 घंटे के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा राइस नहीं करना डो, थोड़ा राइस होगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो हम इसे 1/2 घंटे के लिए कवर करके रखते हैं, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। ये हमने बोनलेस चिकन लिया है 200 से 250 ग्राम और उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं हमने, और ये हमने नमक लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हमने ये काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने ये चिली फ्लेक्स ली हैं, और 1/2 टीस्पून हमने ऑरिगेनो लिया है, और 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। तो सबसे पहले हम पैन को गरम करेंगे और इसके अंदर ऑयल डाल देंगे, और फिर हम ये चिकन के सारे पीसेस इसके अंदर डाल देंगे। हमने छोटी छोटी पीसेस किए हैं चिकन के बोनलेस, और इसे तब तक थोड़ा फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज होता है। तो हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, 5 मिनट तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है 5 मिनट में, और अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले डाल देंगे और इसे पका लेंगे, थोड़ा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे इसको। तो ये हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और चिकन पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं, रिंग चिकन पिज़्ज़ा, जो आपने कभी नहीं खाया होगा इस तरह और ना ही बनाया होगा। तो ये देखें, ये हमारा चिकन अच्छे से पक रहा है, और हम इसे कवर कर रख देंगे, पकाएंगे इसे 6 से 7 मिनट के लिए। तो ये 6 से 7 मिनट हो गए हैं, और हम फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे और इसको बिल्कुल भून लेंगे, इसको ड्राई कर लेंगे बिल्कुल, और इसको इस तरह स्पेचुला से आप इसको दबाकर इसके और छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, तो जिससे ये और ज़्यादा अंदर से चिकन जो है उसके मसाले इसके अंदर जाएंगे, तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, अंदर से फीका नहीं निकलेगा। तो ये तैयार है, और ये देखें, ये हमने ये मोज़रेला चीज़ ली है, और ये हमने ऑरिगेनो लिया है, ये चिली फ्लेक्स ली है, और ये हमने तीनों कैप्सिकम ली हैं, ग्रीन, रेड एंड येलो, और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। तो हमें ये पूरे यूज़ नहीं करने, पूरे नहीं काटने, सिर्फ हम आधे आधे लेंगे और इसको बिल्कुल बारीक स्लाइस की तरह काट लेंगे। ये देखें, ये हमने पूरी नहीं काटी है, आधी आधी ली हैं, और इसको बिल्कुल बारीक स्लाइस की तरह काट ली हैं, चॉप कर ली हैं, और ये हमारा राइस भी हो गया है आटा, ये देखें। तो हमें इसको इतना ही राइस करना है, सिर्फ 1/2 घंटे रख दें आप तो ये राइस हो जाएगा। और इसको एक बार और हम अच्छे से थोड़ा सेट कर लेते हैं, थोड़ा और गूंद लेते हैं आटे को 1 मिनट के लिए। तो ये देखें, ये अच्छे से सॉफ्ट है, और इसकी पिज़्ज़ा ब्रेड जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। तो हम क्या करेंगे,
बस अब हमें करना क्या है, पहले हम थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं इसे बेलने के लिए। तो इसको हम थोड़ा इसके ऊपर मैदा लगा लेंगे जिससे ये चिपके नहीं। थोड़ा हाथों से आप इसको इस तरह दबा लीजिए। तो एक पेड़ा है ये पूरा, जो हमने डो बनाया था वो हमने पूरा ले लिया है। और इसके हम बराबर के भागों में 6 पीस कर लेंगे। तो इस तरह आप 6 भागों में इसको बांट कर रख लीजिए, क्योंकि हमें इसके 6 पेड़े बनाने हैं। तो ये देखें, ये हमने 6 बराबर के भाग में से काट लिया है और इसे हम 6 पेड़े बना कर रखेंगे। ये हम थोड़ा यूनिक स्टाइल में आपके लिए पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो इस तरह हम ये बराबर के 6 पेड़े बना कर रख लेंगे। हमने 6 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसे बेल लेंगे, थोड़ा मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर जिससे ये चिपके नहीं। तो इसे हम बिल्कुल आराम से बेलेंगे और बिल्कुल पतला या चपाती की तरह नहीं बेलेंगे, थोड़ा मोटा ही बेलेंगे इसको और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बेलेंगे। तो ये देखें, इस साइज़ का आप आराम से बेल लें इसको। और हम इसे बेल कर अलग से एक प्लेट पर हल्का सा मैदा लगा देंगे और उसके ऊपर रख लेंगे। इसी तरह हमें ये सारे पेड़े बेल कर रखने हैं। तो आप इसको बिल्कुल बराबर के साइज़ में बेल लीजिए सारे पेड़ों को, और थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रेड करते रहिए मैदे से। तो ये देखें, ये हम सारे इस तरह बेल कर रख लेंगे। तो ये हमने सारी अच्छे से इस तरह बराबर के साइज़ में ये रोटी थोड़ी बेल ली है ब्रेड बनाने के लिए इस तरह। ये देखें, ये बिल्कुल बराबर की जिस तरह पूरी होती है उस साइज़ में आप बेल कर रख लें इसको। और ये देखें, ये हमने पिज़्ज़ा सॉस ली है, ये हमारी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। और ये हम इस तरह इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। ये देखें, पहले हम एक लेंगे, एक जो हमने बेल कर रखी है वो ले लेंगे, और इसके ऊपर हम ये मोज़रेला चीज़ डालेंगे जिसे हमने चीज़ को ग्रेट कर ली है। और इसके ऊपर इस तरह चीज़ डाल दें आप सॉस के ऊपर। और जो ये दूसरा पीस है इसका, ये इसके ऊपर रख दें इस तरह। और इसको हल्के हाथ से इसके ऊपर हल्के से दबा लेंगे, हल्के हल्के प्रेस करेंगे जिससे ये चिपक जाए। फिर हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे, दोबारा पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, और फिर इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे। तो हल्की हल्की पिज़्ज़ा सॉस लगा लें। तो अब हम ये देखें, ये चीज़ डालेंगे इसके ऊपर। आप अच्छे से इसके ऊपर चीज़ डाल दें और फिर दूसरा जो इसका पीस है वो इसके ऊपर रखेंगे। जो दूसरी हमने 6 जो बेली हैं वो इसी तरह ही हमने ये करना है। तो इसके ऊपर आप लगाते रहें पिज़्ज़ा सॉस और ये डालते रहें चीज़। तो इसी तरह हमें करते रहना है। जो 6 जो हमने रोटी बेली थी उसको इसी तरह करना है। पहले हमें पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, उसके ऊपर चीज़ डालेंगे और फिर उसके ऊपर ये दूसरा कवर करेंगे। तो इसी तरह एक के ऊपर एक हमें ये 6 जो हमने रोटी बेली हैं वो इसको लगानी है इसके ऊपर। तो इस तरह आप आराम से कर लें, बिल्कुल बराबर के पीस हों सारे। ये 6 जो हमने बेले हैं बिल्कुल बराबर के होने चाहिए। और ये देखें, ये हमने 6 एक के ऊपर एक रख लिए हैं। अब हम इसको बेलेंगे। तो हमें इसको इतना साइज़ का बेलना है जितनी आपकी पिज़्ज़ा प्लेट हो। तो आप उसी हिसाब से बेल लीजिए, जितनी बड़ी आपकी पिज़्ज़ा प्लेट हो उतनी ही बड़ी बेलें इसको, छोटी या बड़ी ना करें। तो ये देखें, इसे आराम से बेल लेंगे हम। और ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा चीज़ी बनेगा क्योंकि हमने चीज़ डाली है काफ़ी इसके अंदर। और ये एक छोटी प्लेट ले लें आप और इसको बीच में इस तरह रख कर सिर्फ हमें कट लगाना है, निशान लगाना है हमें। बहुत ज़्यादा गहरा नीचे तक कट नहीं लगाना, बस इतना हो कि निशान लग जाए, इतना बड़ा गोल जितनी बड़ी हमने ये प्लेट रखी है छोटी। तो इतना बड़ा हम ये निशान लगा लेंगे। बहुत आप नीचे तक नाइफ़ को लेकर ना जाएं जिससे ये कट ना जाए। काटना नहीं है हमें, सिर्फ निशान लगाना है इसको। तो ये देखें, ये हमने गोल निशान लगाया है। अब हम इसको, ये देखें, इसको हमें काटना है 8 भागों में। तो पहले हम इस तरह प्लस बना लेंगे। ये हो गए 4 भाग, हो गए इसके 4 पीस हो गए। और ये देखें, ये इस तरह हम लेकर आएंगे, ये हो गए 6, और ये इसको कट लगाकर हो गए पूरे 8। तो ये हमने 8 कट लगा लिए हैं। तो ये देखें, ये हमने इस तरह 8 कट लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर ये
चिकन की सारी स्टफिंग रख देंगे। इस तरह जो ये गोल जो बाकी का जो भाग है इसका बचा है, इस तरह राउंड शेप में इसकी हमें सारी स्टफिंग लगानी है चिकन की जो हमने तैयार की है। तो ये देखें, ये इस तरह हम ये सारी चिकन की स्टफिंग लगा लेंगे। हमें इसको अंदर नहीं लगानी जिस पर हमने कट लगाए हैं, सिर्फ जो बाहर का जो भाग बचा है उसके ऊपर हम ये सारी स्टफिंग लगा लेंगे चिकन की। और ये बीच बीच में हम दो दो छोटे कट और लगाएंगे। ये इस तरह आप दो दो छोटे छोटे कट और लगा लीजिए। तो ये देखें, इस तरह हम ये जो हमने 8 पीस किए हैं इसके, उस पर हम ये कट लगाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इजी बन जाएगा। और इसके ऊपर सारी जो हमने कैप्सिकम के जो स्लाइस किए थे वो इसके ऊपर लगा लेंगे, सारी ग्रीन रेड एंड येलो। तो ये देखें, आप बिल्कुल आराम से इसके ऊपर लगा लीजिए। तो ये हम सब लगा लेंगे और साथ में इसके प्याज भी लगा लेंगे जो हमने प्याज के स्लाइस किए थे। तो ये देखें, ये हमने सारी कैप्सिकम लगा ली है जो हमने काटी थी और ये प्याज भी लगा ली है। अब हम इसके ऊपर ये चीज़ डाल देंगे। तो चीज़ भी हम इसके ऊपर ही डालेंगे। ये देखें, आराम से आप पूरी राउंड शेप में चीज़ डाल लें इसके ऊपर। अंदर भी काफ़ी चीज़ है और ऊपर से भी हम चीज़ डाल लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ी बनेगा। तो ये हमने चीज़ भी डाल ली है। अब ये हम ये जो हमने 8 पीस किए हैं इसके कट लगाए हैं 8, इसके ऊपर इस तरह आप ये नीचे की तरफ ले जाकर फोल्ड कीजिए। पहले ऊपर से लाइए, ये थोड़ा कट और लगा लेते हैं हम। ये देखें, इस तरह आप ये नीचे की तरफ लाकर इसे फोल्ड कर दीजिए, चिपका दीजिए इससे। तो ये आपका जो हमारा रिंग स्टाइल चिकन पिज्ज़ा है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ी है। ये देखें कितना अच्छा इसका लुक आया है। अब हम इसके ऊपर ये थोड़ी पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे जिससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और ये टेस्टी भी बनेगा, फीका भी नहीं होगा। तो इस तरह आप ये पिज़्ज़ा सॉस लगा लें। तो ये देखें कितना देखने में भी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल देंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दें आप चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। तो ये हम आपके लिए विदाउट ओवन बना रहे हैं। ये ओवन में भी बन सकता है लेकिन ये हम विदाउट ओवन बनाकर दिखा रहे हैं आपको। तो आपके पास कोई भी इस तरह जाली हो या कोई प्लेट हो इस तरह, या घर की कोई स्टील की प्लेट होती है वो हो, तो कुछ भी ले लीजिए आप। इसके ऊपर बटर पेपर लगा लीजिए और थोड़ा इसे ग्रीस कर लीजिए घी से या बटर से, जिससे आप करना चाहें हल्का हल्का इसे ग्रीस कर लीजिए। घर की जो भगोने की स्टील की प्लेट होती है सीधी, आप वो भी ले सकते हैं, उसके ऊपर बटर पेपर लगाकर उसे ग्रीस कर उस पर भी बना सकते हैं। उस पर भी बहुत इजीली बन जाएगा जिस तरह इस पर बनेगा। तो अब हम इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा लगा लेंगे, चिकन रिंग पिज़्ज़ा। ये देखें, ये हमने इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लिया है। तो एक भगोना लेंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। इसके अंदर हम ये कोई भी स्टैंड कटोरी कुछ भी रख दें और इसको गर्म कर इसके अंदर रख देंगे। और इसे हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, इसे अच्छे से बेक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर रख देंगे इसे। ये हमारा 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो ये देखें 25 मिनट हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा बेक हुआ है। तो ये चिकन रिंग पिज़्ज़ा तैयार है आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा चीज़ी, डिलीशियस और टेस्टी बना है। तो ये देखें, तो ये चिकन रिंग पिज़्ज़ा यूनिक आपके लिए तैयार है सर्व करने के लिए। तो हम एक पीस आपको कट कर भी दिखा रहे हैं कि अंदर से कितना ज़्यादा चीज़ी और सॉफ्ट बना है। तो ये देखें, ये काफ़ी सॉफ्ट है इसकी ब्रेड भी, और काफ़ी देखें ये चीज़ी भी बना है। और आपके लिए हमने ये चिकन रिंग पिज़्ज़ा तैयार किया है। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने व्यूवर्स को नई नई अच्छी अच्छी यूनिक रेसिपीज़ देते रहें, जिससे हमारे व्यूवर्स हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें आगे भी। और प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।